नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है, न कि वोट बैंक। विपक्षियों पर ऋण माफी के नाम पर किसानों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने झारखंड में मंडल बांध परियोजना सहित 6 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के काम की आधारशिला रखी। सीबीआई ने अवैध रेत खनन घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छापे मारे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। 27वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आज से प्रगति मैदान में शुरू। और भारत के साथ सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 236 रन बनाए, मेजबान टीम अभी भी 386 रन से पीछे। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों को अन्नदाता समझती है, न कि वोट बैंक। झारखंड के पलामू जिले में कोयल मंडल बांध की आधारशिला रखने के अवसर पर आयोजित समारोह में आज उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे किसानों की ऋण माफी के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। अगर मुझे किसानों को वोट बैंक का हिस्सा ही बना के रखना होता, सीधा साधा 1,00,000 करोड़ रुपया किसानों को कर्ज माफी कर करके बस बांट देता। लेकिन मैंने किसानों को गुमराह करने वाला रास्ता नहीं चुना। कर्ज माफी तो एक पीढ़ी की हो जाती, एक साल की हो जाती, लेकिन 1,00,000 करोड़ से जो पानी आएगा वो आने वाली सदियों तक लोगों का भला करेगा। वो कभी कर्जदार न बने, ये ताकत उसको मिलने का काम हमने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने में पिछली सरकार के मुकाबले 5 गुना तेजी से काम कर रही है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के 25,000 लाभार्थियों के सामूहिक ई गृह प्रवेश का भी शुभारंभ किया और उन्हें बधाई दी। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के उन 25,000 लाभार्थी परिवारों को भी विशेष बधाई देता हूं जो आज अपने पक्के नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर मंडल बांध परियोजना को 47 साल में भी पूरा न कर पाने के लिए आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया। सोचिए, 47 साल यानी आधी सदी ये परियोजना खंडहर के रूप में एक अधूरी लटकी पड़ी है। 1972 में इसकी फाइलें चली थी और फिर अटकती रही। जिस परियोजना को सिर्फ 30 करोड़ रुपए में पूरा होना था, वो अब करीब 2,400 करोड़ रुपए में पूरी होगी। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस परियोजना को पूरा करने के लिए झारखंड और बिहार के मुख्यमंत्रियों के प्रयासों की सराहना की। झारखंड और बिहार के सांसद साथ में आए और ये समस्या हमारे देश के किसानों की है, उनको लाभ मिलना चाहिए और मैं इन सभी एमपीज को बधाई देता हूं और इसलिए मैं इन सांसदों का आज विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। भारत के फेडरलिज्म को एक नई ताकत देने का काम बिहार और झारखंड दोनों सरकारों ने मिलकर के किया है, ये मेरे लिए विशेष गर्व की बात। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करीब 10,000 लोगों का रोजाना मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने कोयल नदी पर 25 अरब रुपए की लागत की अधूरी उत्तर कोयल मंडल बांध परियोजना को पूरा करने और कनहर सोन पाइपलाइन बिछाने की परियोजना सहित कुल 6 सिंचाई योजनाओं की आधारशिला रखी। आज झारखंड के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू से 6 बड़ी सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इनमें सोन नदी से गढ़वा तक पाइपलाइन के जरिए सिंचाई की नहर, लातेहार में उत्तरी कोयल पर मंडल डैम का निर्माण, पलामू के लिए बतेर बियर जलाशय, गढ़वा के लिए बाई मां के जलाशय, चतरा के लिए अंजनावा जलाशय तथा पश्चिमी सिंहभूम के लिए ब्राह्मणी सिंचाई योजना। इनमें सोन नहर योजना को छोड़कर शेष 5 पुराने प्रोजेक्ट हैं जिन पर कार्य वर्षों से बंद पड़े हुए थे। इनके पूरा होने पर झारखंड की खेती को बड़ी मदद मिलेगी, जिसका पिछले 4 वर्षों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। पलामू से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजेश सिन्हा।
प्रधानमंत्री आज ही ओडिशा भी जाएंगे। वे ओडिशा के बारीपदा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के बालेश्वर हल्दिया दुर्गापुर सेक्शन और बालेश्वर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उनका 4 लेन की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने और 6 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री बारीपदा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज अवैध बालू खनन घोटाले के सिलसिले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 12 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि ये छापे जालौन, हमीरपुर, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर मारे गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश काडर की आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर भी छापेमारी की गई। एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अवैध खनन का मुद्दा काफी उछला था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2015 में इस मामले में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था और सभी पट्टे अवैध घोषित कर दिए थे। अवैध खनन ने राज्य में सरकारी खजाने को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। यह छापे प्रदेश में हमीरपुर और जालौन के अलावा अन्य स्थानों पर भी मारे गए। आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अरिपाल त्राल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के संयुक्त दस्ते के बीच आज सुबह से गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बलों ने बताया कि इलाके में एक आतंकी गिरोह के छिपे होने का सुराग मिलने के बाद नाकेबंदी करके तलाशी ली जा रही थी। सूत्रों के अनुसार 2 से 3 आतंकवादी इलाके में छिपे हुए हैं और गोलीबारी चल रही है। विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। उच्चतम न्यायालय ने हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक और आतंकवादियों की घोषित वैश्विक सूची में शामिल सैयद सलाउद्दीन के पुत्र सैयद शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कल कहा कि निचली अदालत द्वारा जांच पूरी करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को और समय दिए जाने के बाद अभियुक्त को जमानत नहीं दी जा सकती। यूसुफ अभी न्यायिक हिरासत में है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने 24 अक्टूबर 2017 को उसे मध्य कश्मीर के बडगाम से गिरफ्तार किया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसी अर्थव्यवस्था कायम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जिससे रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सके। श्री गडकरी ने सुझाव दिया कि ज्यादा कृषि उत्पादों का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाए ताकि किसानों की उन्नति हो और पर्यावरण बेहतर बन सके। आज आईआईटी मुंबई में श्री गडकरी ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का वितरण बड़ा महत्व रखता है। भारतीय जनता पार्टी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली केरल सरकार पर राज्य प्रायोजित हिंसा का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने नई दिल्ली में आज पत्रकारों से कहा कि हिंसा के पीछे का षड्यंत्र सबरीमला मुद्दे से जुड़ा है ताकि इसे राजनीतिक रंग दिया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल में भाजपा नेताओं के खिलाफ राज्य प्रायोजित हिंसा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सबरीमला मुद्दा श्रद्धालुओं से जुड़ा है, वो भाजपा का मुद्दा नहीं है। 27वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आज प्रगति मैदान में शुरू हो गया। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 9 दिन तक चलने वाले इस वार्षिक मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऑडियो बुक्स और ई बुक्स जैसे नए रूपों में पुस्तकों के उपलब्ध होने के बावजूद किताबों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीयों में पढ़ने की आदत बनी हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है। इस वर्ष के पुस्तक मेले की थीम दिव्यांगों की है, जिसके लिए हमने ब्रेल लिपि में पूरी सूची प्रकाशित हुई उसका भी प्रकाशन किया है और बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का रचना है और इसलिए इसका उद्घाटन करते समय मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। इस वर्ष के पुस्तक मेले का मुख्य विषय है दिव्यांग पाठकों के लिए विशेष आवश्यकता है। आकाशवाणी मेले का रेडियो पार्टनर है। आकाशवाणी ने मेले में पहुंचे कई बच्चों और उनके अभिभावकों से बात की। मेरा नाम मयंक है, 6th क्लास में हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया हूँ। मैंने एटलस बुक खरीदी और भी बुक खरीदना था, जैसे कि हमारी आजादी की कहानी, विज्ञान और भारत, भारत में कृषि। मेरा नाम गुलिस्ता है और मैं 10th की छात्रा हूँ। हमें इस तरह की पुस्तकें पसंद है जैसे कि उसमें तरह तरह की कहानियाँ होती है जिससे बच्चों को सीखने के लिए मिले।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बापू द्वारा और उन पर लिखी गई पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। 600 से अधिक प्रकाशक अपनी अपनी पुस्तकें मेले में प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके लिए 1350 से अधिक स्टॉल बनाए गए हैं। 20 से अधिक देश मेले में भाग ले रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। सिडनी में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए हैं। मेजबान टीम अभी भी 386 रन से पीछे है। कुलदीप यादव ने 3, रविन्द्र जडेजा ने 2 और मोहम्मद शमी ने अब तक 1 विकेट लिया है। आज दिन का खेल खराब रोशनी के कारण कुछ समय पहले ही रोकना पड़ा। भारत ने पहली पारी 7 विकेट पर 622 रन बनाकर घोषित की थी। श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। रेल मंत्रालय ने कनिष्ठ अभियंता, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक तथा धातु विज्ञान सहायकों के 13,400 से अधिक पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इन पदों के लिए अधिसूचना रेल भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की गई है। रेल मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 2 चरणों में भर्ती प्रक्रिया के लिए इस महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। समूचा उत्तर भारत तेज शीतलहर की चपेट में है। जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात की खबर है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अधिकारी चरण सिंह ने बताया है कि देश के विभिन्न भागों में तापमान में वृद्धि के बाद शीतलहर में कमी आई है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो तापमानों में सामान्य रूप से 3 से 4 डिग्री का काफी जगह में इजाफा हुआ है। इसके इजाफे के साथ साथ में जो कोल्ड वेव कंडीशन वर्तमान में, इस समय कोल्ड वेव कहीं देश में सिग्निफिकेंट कहीं नहीं है। हालांकि आइसोलेटेड यानी कि एकाध सिटी में, खासतौर से जो पेनिनसुला का नॉर्दर्न पार्ट है, महाराष्ट्र का पार्ट, वहां 1-2 जगह में टेम्परेचर सामान्य 3 से 4 डिग्री है। हिमाचल प्रदेश से हमारी संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को इस दौरान ऊंची पहाड़ियों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाकों में कल रात से रुक रुक कर हिमपात हो रहा है और अब तक लाहौल घाटी के केलंग में 0.5 फुट से अधिक हिमपात हो चुका है। डलहौजी, मनाली, नारकंडा व उसके आसपास के इलाकों में भी ताजा हिमपात शुरू हो गया है। निचले इलाकों में बारिश विभाग ने ऊपरी व मध्यम ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियों हिमपात या फिर भारी हिमपात होने की चेतावनी जारी की है। नंदनी मित्तल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। समूचा उत्तराखंड भीषण शीतलहर की चपेट में है। एक रिपोर्ट। बद्रीनाथ, केदारनाथ और खलिया टॉप मुनस्यारी से बर्फबारी होने की सूचना मिली है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों में गढ़वाल और कुमाऊं में कहीं कहीं भारी बर्फबारी और बारिश सहित ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। जम्मू कश्मीर में कल दोपहर बाद शुरू होकर आज सवेरे तक जारी हिमपात की वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। श्रीनगर शहर में कम से कम 5 इंच बर्फ गिरी, जिसका आम जनजीवन पर असर पड़ा। कल से 300 किलोमीटर के श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों के आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। थाईलैंड में पाबुक तूफान के असर से कई स्थानों पर बाढ़ आ गई है और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। देश के दक्षिणी इलाकों में करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान की रफ्तार आज सुबह कम हो गई है और ये अंडमान सागर की ओर बढ़ गया है। इधर अंडमान द्वीपों में आज शाम तूफान के असर से वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि सोमवार तक अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में 70-80 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को अंडमान सागर और उससे लगे बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंडमान द्वीपों के लोगों को भी इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मेघालय में अवैध कोयला खनन रोकने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 2 महीने के भीतर जमा करानी होगी। पिछले महीने की 13 तारीख से अब तक राज्य के पूर्वी जयंतिया पर्वतीय जिले के लुमथारी गांव में अवैध कोयला खान में 15 खनिक फंसे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है, वोट बैंक नहीं। उन्होंने विपक्षियों पर ऋण माफी के नाम पर किसानों से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने झारखंड में मंडल बांध परियोजना सहित 6 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के काम की आधारशिला रखी है। सीबीआई ने अवैध रेत खनन घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छापेमारी की है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। 27वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आज से प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।